पुरुषों को आपने अधिकतम देखा होगा कि हल लगाते हुए, तो ये हैरान करने वाली बात है कि अधिकतम जो है पुरुष लोग हल लगाते हैं, और यहाँ पे महिलाएं भी देखो कितनी एक्सपर्ट हैं। कब सीखी तुम नॉल रोड जी? ओके घर में। अच्छा, तो हरिद्वार में रहते हो? जब भी ऐसा काम होता है तो मैं घर आती रहती हूँ काम करने के लिए। अच्छा, हरिद्वार में रहते हो आप? हरिद्वार में रह के आप शर्मा नहीं रहे हो ऐसे काम करने के लिए? नहीं, शर्म क्या है, जब आता है तो कर रहे हैं। देखो जी, पहाड़ी महिलाएं, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे चैनल पे, लोगों को जो है इससे सीख लेनी चाहिए जितनी भी महिलाएं हैं, खास करके पुरुष लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जो है धान की बुआई चल रही है, धान की खेती चल रही है, धान के पौधे जो है लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो एक महिला जो है हल लगा रही है। मेरे पीछे देखो आप, देखो ये हैरान करने वाली बात है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा पहाड़ों में जो इस तरीके से हल लगा रहे हैं। देखो महिला शक्ति, देखो नारी शक्ति, यहाँ पे जो हल लगा रहे हैं। पहाड़ के खेतों में पहले भी गया हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे को जो है पहली बार देखने के लिए मिली है कि महिला शक्ति जो है यहाँ पे हल भी लगाती है। देखो पूरे तजुर्बे के साथ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम किया है, तो ये काफ़ी जो है हैरान करने वाली बात है और सीख लेने वाली बात है कि हमको इस चीज़ से सीख भी लेनी चाहिए, हमें ये सीखना भी चाहिए, काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो इनसे जो है सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पुरुषों को आपने अधिकतम देखा होगा कि हल लगाते हुए, और यहाँ पे देखो आप महिलाएं भी जो है हल लगाती हैं। तो ये हैरान करने वाली बात है कि अधिकतम जो है पुरुष लोग हल लगाते हैं, और यहाँ पे महिलाएं भी देखो कितनी एक्सपर्ट हैं, और पूरा जो है हल लगा रही हैं। देखो तो काम करने के लिए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, तो काम करने की भैया कोई उम्र और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे महिलाएं भी जो है पहाड़ों में महिलाएं भी जो है हल लगाती हैं। ये देखो जी, पहाड़ी महिलाएं, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे चैनल पे, आपने महिलाओं को घास लाते हुए देखा होगा, गुड़ाई करते हुए देखा होगा, और पहली बार जो है महिलाएं हल लगाती हुई। कब सीखी तुम नॉल रोड जी? ओके घर में। अच्छा, तो ज्यादातर जो है पुरुष लोग लगाते हैं हल? पुरुष तो लगाते हैं, पर लेडीज़ को भी तो लगाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो काम आता है उसे हर कोई करना चाहिए। अच्छा, मतलब काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए? नहीं, शर्म क्या होती काम करने में, मानना पड़ेगा आपकी बात। ये देखो जी, पुरुषों के लिए जो है एक बहुत बड़ी मिसाल है ये, काम करने में जो है कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो जो हाथ में इन्होंने पकड़ा है हल सुंग, ये बहुत ही भारी होता है, बहुत ही भारी होता है। पहाड़ों में देखो महिलाएं कितनी कर्मठ होती हैं, कितना काम करती हैं। देखो ये हैरान करने वाली बात है, मानने वाली बात है, और लोगों को जो है इससे सीख लेनी चाहिए जितनी भी महिलाएं हैं, खास करके पुरुष लोग जो काम नहीं करते हैं। देखो पूरे तजुर्बे के साथ लगा रहे हैं, कि जैसे कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। देखो ये मानने वाली बात है, आप तो सबके लिए मिसाल हो कि आप ऐसे जो है खेतों में हल लगा रहे हो। लगाना चाहिए, जो काम आता है वो करना चाहिए। हाँ, खेती बाड़ी करना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मैं तो हरिद्वार में रहती हूँ, जब भी ऐसा काम होता है तो मैं घर आती रहती हूँ काम करने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि। अच्छा, हरिद्वार में रहते हो आप? अच्छा, हरिद्वार में रह के आप शर्मा नहीं रहे हो ऐसे काम करने के लिए? नहीं, शर्म क्या है, जब आता है तो कर रहे हैं। जो गाँव में रहते हो शर्माते हैं? वो अपनी अपनी सोच है, क्या बता सकते हो। तो आप जो है सब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए मिसाल हो कि कोई भी काम हो तो शर्माना नहीं चाहिए। अब खेतीबाड़ी लोग बहुत कम करने के लिए, अरे होता कुछ नहीं है, ये बंदर है, सुअर है, होता कुछ नहीं, इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं खेतीबाड़ी। हाँ, अब जो ज़्यादातर खेत बंजर हो रहे हैं ना। हाँ जी, वो तो है। तो लोगों की रुचि कम है खेतीबाड़ी में, क्यों? हमें कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे लोग, रुचि कम होगी, सब वो है ना, प्लान हो गया, लोग जा रहे हैं, सुख सुविधा यहाँ कुछ है नहीं, ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है अच्छे, तो लोग सब प्लान कर रहे हैं। तो लोग मतलब गांव छोड़ के अब जा रहे हैं। हाँ।
कितना फर्क आया पहले पहले जमाना में रवाज जमाने में कितना फर्क बहुत आया। पहले तो होता था, लोग करते थे, होता था, ये नहीं था कि लोग नीचे रहते थे, ऊपर मतलब अपनी खेती बाड़ी सब करते थे। अब तो ये लोगों को ये रुचि नहीं है गांव में, जैसे ये कि हम बसे हैं तो बसे सारे ही हैं, गांव में तो है नहीं ऐसा कुछ। ज़्यादातर गांव में क्या बारहवीं की उसके बाद शादी करते हैं, है नहीं ना कुछ ऐसा सुविधा कि बच्चे पढ़ें, अपने आस पास कुछ होगा तो तब होगा, बच्चे लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो ये है जिसके अब डेली रूटीन है कि जो आदमी रहते हैं, जैसे ये बूढ़े लोग हैं ये तो रहते हैं, इनको आदत से हो गई किसी की शादी, वो नहीं कर सक रहे, नहीं है उनका बस का काम, बोलते हमने किया ही नहीं कभी। तो पहाड़ जो खाली हो रहे हैं धीरे धीरे, होंगे भी क्योंकि कुछ सुविधाएं हैं नहीं। हरिद्वार में क्या करते हो आप? कुछ नहीं, बस हाउस वाइफ पढ़ाती हूँ। अच्छा, पढ़ा ट्यूशन पढ़ाते हो आप? अच्छा अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई भी करते हो, ये काम भी करते हैं आप, तो पूरे एक्सपर्ट हो। हाँ, ये मैंने तब से कहा, भाई नौकरी का, पापा जॉब पे थे ऐसे ही, तो मम्मी के साथ कोई नहीं रहता था, फिर कोई हमारा हल ना करता था, ऐसे ही पकड़ लेते थे। अब वो आदत हो गई कि पूरा हल आ गया, फिर आते हैं क्योंकि भैया लोग आ नहीं पाते, मुझे ही लगाना पड़ता है। मानने वाली बात है। तो दिन का दिन रोई रोई प्यार करी कुछ नहीं होई, हाथ नहीं आई सच भाग लुकाई, साचू प्यारे वंदु गेलणी घर बोदू के मा, दुखिला दारी छो गेलणी क्या बिंगो त्वे मा। ये जो कि मानने वाली बात है, महिलाएं भी जो है ऐसा काम करती हैं पहाड़ों में, हल लगाने का काम, ये सबके लिए एक मिसाल है, सबके लिए जो है एक प्रेरणा है। काम करने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, काम चाहे कोई भी काम हो छोटा बड़ा, हमको जो है खुद ही करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देखो महिला शक्ति, देखो लेडी सिंगम, लेडी सिंगम कह सकते हो आप इन्हें, पूरा जो है मर्द वाला काम। भाई साहब माननी पड़ेगी बात, तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो हैं सबके लिए मिसाल हैं। यहाँ तो यार महिलाएं भी हल लगाती हैं। हाँ जी, जिसको लगाना आता होगा तो वो लगा देती हैं। अच्छा, हर किसी की बात है। हाँ, हर कोई हाल लगाए, क्योंकि ये लड़की जो है मतलब बतंग से इन्होंने सिखाया, अपने बैलों से लगाती है। अच्छा, मतलब उनको कोई मतलब थकान थकान कुछ नहीं लगती, मतलब वो लगा ही देते हैं बतंग से, मतलब वो जो है हर कोई नहीं लगा सकता। हाँ, बोला तो उन्होंने बचपन से किया है, उन्होंने जो है अपने बैल थे इनके। अच्छा, तब सीखे। अच्छा अच्छा, तब यार ये तो मानने वाली बात है यार, मैंने पहले कभी देखा नहीं ऐसे। अभी मैं भी पकड़ लूंगा, मैं भी लगा दूंगा, प्रॉपर वैसे ही लगाऊंगा। जैसे आप लगाते हो वैसे वो भी लगा रहे हैं। हाँ ना, वो लड़की जो है लगा रहा था। अच्छा, हर किसी को नहीं आता है। मन वाली बात यार, यार महिला शक्ति, मतलब मैंने पहली बार देखी ऐसे, मतलब लड़की जो है ना पहली बार देखी मैंने, मतलब इस तरीके से वो भी पूरे अच्छे ढंग से लगा रहे हैं, जैसे आप लगा रहे हो ना, जब तुम झलवाना उन्हीं पर झलवाना। जो भी जितने भी हल्ले हो गए तो बराबर लगा दिए। अच्छा, बचपन से सिखा उस लड़की ने। अच्छा, बचपन में, बचपन से लगा दस बारह साल से किसी उस समय। अच्छा जी सर। अरे ये तो मानने वाली बात है यार, बहुत मतलब सबके लिए जो है प्रेरणा की स्रोत है, तो सीखना चाहिए लोगों को इनसे, लोगों को सबक लेना चाहिए। पर सर ये हर किसी को नहीं आता है लड़की को, हर कोई नहीं सीख पाएगा। अच्छा, बस कम से कम हमारे गांव में भाई एक ही लड़की है बस। अच्छा, एक ही लड़की है और किसी को नहीं आता है। ये जो है हरिद्वार भी रहती है, यहाँ नहीं रहते बच्चे? अभी अभी दो चार दिन आए हुए हैं। अच्छा, यार जो गांव में रहता है वो भी शर्माता है हल लगाने के लिए। अजी वो नहीं, वो जो है स्ट्रांग लड़की है, वो एक्सपर्ट है उसको हल लगाने का। देख लो बेलों पे एक भी लड़की नहीं मार रही, देखो इनको क्या है। वो जो गांव में रहते हैं वो शर्मंज काम करना ना। आप जो है लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हो, और लोगों को आपसे जो है सीख लेनी चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।